भगवती को अलग आदेश रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश आप सभी को आदेश आदेश आज जो साधना मैं आपको बताने जा रहा हूं यह एक ऐसी साधना है जिसको सिद्ध करके इन शक्तियों को आप अपने घर के प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए अपने घर की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए अपने घर के प्रेम भाव को बढ़ाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं बहुत सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है नौ दिनों की साधना होती है दसवें दिन इसका हवन होता है शक्ति को स्थान देने के लिए पांच सिक्कों की आवश्यकता होती है ये सिक्के जो आज के दिन में लोहे के चल रहे हैं वो रख सकते हैं जो थोड़े सामर्थवान हैं वो चांदी के सिक्के रख सकते हैं ये अच्छा होता है और जो बहुत सामर्थवान है वो सोने के सिक्के रख सकते हैं वो भले एक ग्राम का हो इन सिक्कों को शुरुआत में स्क्वायर लाल कपड़े पर रखेंगे पांच अलग अलग लाल कपड़ों पे स्क्वायर में इनको रखेंगे ठीक है जब तक इनकी सिद्धि नहीं हो जाती है तो जहां भी आपका पूजा स्थान है वहां पर इसको एक के बगल में एक आप पांचों सिक्के को रखेंगे उस स्क्वायर कपड़े पर ठीक है रोज इन सिक्कों पर गुलाब का इत्र छिड़का जाता है और अड़हुल लाल अड़हुल के पुष्प को इन पर अर्पण किया जाता है मैंने एक वीडियो में पुष्प मुद्रा बताया है कि किस तरीके से पुष्प उठा करके भगवती को देना चाहिए उसी मुद्रा में आपको उठा के देना चाहिए कैसा होता पुष्प मुद्रा पुष्प मुद्रा में आपका जो रिंग फिंगर है और मिडिल फिंगर है वो इंटरलॉक होके हस्त जो हथेली है उसके बीच में रहता है और जो इंडेक्स फिंगर है और लिटिल फिंगर है और थम ये चारों बाहर रहता है और लिटिल फिंगर दोनों जो आप सटाते हैं उससे ही आप पुष्प को उठा के भगवती को चढ़ाते हैं तो इस मुद्रा में आप उनको चढ़ाएंगे लाल वस्त्र अगर पहनेंगे तो सर्वोत्तम होगा सफेद भी पहन सकते हैं और काला भी पहन सकते हैं ये तीन रंगों का काला पीला तो ताला ये तीन रंग इसमें आप पहन सकते हैं ठीक है इसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज आती है वो ये है कि आप लोगों को अभी मैं पांच के बदले आपको ग्यारह मंत्र बताऊंगा क्या क्यों ग्यारह मंत्र बता रहा हूं क्योंकि जो योगनियों का विषय है ये योगनियों का विषय जो है स्कंद पुराण में बताया गया है तो स्कंद पुराण में जो उसका काशी खंड है उसमें चौसठ योगनियों के बारे में दिया है लेकिन आप कुछ और पुराने किताब पढ़ेंगे जैसे कि जो रावण द्वारा लिखे गए कुछ ग्रंथ हैं तो आपको पता चलेगा कि चौसठ योगनियों के बाद और तीस योगनियां होती हैं तो आपको अपने हिसाब से जिस भगवती की आप पूजा करते हैं उनकी जो योगनियां हैं उनका भी स्वभाव उनकी तरह होता है कहने का तात्पर्य है जो चौसठ योगिनियां हैं तो उसमें ब्रह्मानी भी, भी है वाराही भी है रुद्रानी है किंकाली है कराली है काली है महाकाली है चामुंडा है कामाक्षा है भद्रकाली है दुर्गा है अंबिका है कुरुकुल्ला है त्रिपुरा सुंदरी है मतलब त्रिपुरा बोलते हैं उनको यमघंटा है सरस्वती है तोतिला है वैष्णवी है तो ऐसे चौसठ योगिनियों का नाम है और इनका स्वभाव जो है भगवती के आ, समानी ही होता है इसको करने का जो समय है वो सुबह का समय है अगर आप सूर्योदय के साथ इनकी पूजा कर पाए तो बहुत अच्छा है अगर सूर्योदय पे पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो 12 बजे से पहले इनकी पूजा आप करेंगे ठीक है इसमें आपका जो देवबंदन होगा वो गायत्री मंत्र से होगा मतलब ओम भूर्भ तत्व्यम वर्गो देव से धीम ही धियो यो नहा अंत का दो शब्द नहीं बोलते वरना ये गुरु मंत्र हो जाता है तो गायत्री मंत्र से आप पहले बंधन कर लेंगे ठीक है मतलब गायत्री मंत्र मंत्र को 24 बार जप के शरीर को फूक लेंगे उसके बाद सामने ये कपड़े पर पाँच सिक्का रखेंगे उस पर गुलाब का इत्र चढ़ाएंगे उसके सामने पाँच दीपक रखेंगे और धूप रखेंगे पाँचों के सामने अलग अलग नवेद आप चढ़ा देंगे ठीक है और लाल आसन अगर लाल वस्त्र है पीला आसन अगर पीला वस्त्र है या काला आसन अगर काला वस्त्र है उसके बाद हर रोज 21 माला का जाप करेंगे तो मैं आपको 11 शक्तियों का नाम बोल रहा हूँ इसमें से कोई भी पांच ही आप करेंगे पूरे 11 का आप जाप नहीं करेंगे ये गलत होता है गलत इसलिए होता है क्योंकि कलयुग में हम पशु भाव में जीते हैं और हमारा जो शारीरिक क्षमता है हमारा आध्यात्मिक क्षमता जो है ये सतयुग या त्रेता युग या द्वापर युग से कम है जो देव या उपदेव की संज्ञा में से योगिनी यक्षिणी ये सब उपदेव की संज्ञा में आते हैं ये इनकी दुनिया वहीं पर है उसी युग में है इनका युग हमारे युग से अलग होता है तो इनकी शक्ति उतनी ही है लेकिन जो मनुष्य है हमारी शक्ति कम हो गई है तो एक बार में हम किसी पांच योगिनी की साधना कर सकते हैं इन पांचों सिक्कों को यंत्र के रूप में मतलब सिक्का इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको द्रव्य माना जाता है जो कि मेटल का होता है तो इसमें एनर्जी कंटेंट रहती है तो किसी भी पांच शक्तियों का आप साधना कर सकते हैं मैं ग्यारह शक्ति बताऊंगा वो देवियाँ जो कि सबसे ज़्यादा पूजी जाती है जिसमें कुछ नवदुर्गा में आती हैं कुछ मूल तीन बीज में आती हैं और कुछ दस महाविद्या में आती है अगर किसी को और करना है तो इस साधना को फिर से रिपीट करेंगे और एक बार जब आप साधना कर लेंगे तो हर रोज कम से कम सात बारी कोशिश करेंगे कि मंत्र का जाप करें तो पहला जो मंत्र है वो है काली का। काली योगिनी का जो मंत्र है वो है ओम एम ह्रीम श्रिम श्रिम, श्रिम काली नित्य सिद्धमाता स्वाहा ओम अम ह्रीम श्रीम श्री काली नित्य सिद्धमाता स्वाहा ठीक है उसके बाद जो दूसरी विद्या है जिसकी आप साधना कर सकते हैं वो है महाकाली उनका मंत्र है ओम एम ह्रीम श्रीम श्री महाकाली सिद्धेश्वरी स्वाहा ओम एम ह्री श्रीम श्री महाकाली सिद्धेश्वरी स्वाहा तीसरा कामना पूर्ति के लिए कामेश्वरी ओम एम ह्रीम श्रीम श्री कामेश्वरी सर्वशक्ति स्वाहा इसके अलावा सर्व मांगला की साधना उत्तम मानी जाती है उनका मंत्र है ओम ह्री श्रिम, श्री सर्व मांगला तंत्रदा स्वाहा इनको तंत्र की इच्छा है वो सर्व मांगला की साधना कर सकते हैं तंत्र में और आगे बढ़ना है वो डाकिनी साधना कर सकते हैं ओम एम ह्रीम श्रीम श्री डाकिनी मदसालिनी स्वाहा ठीक है और जो इनमें सबसे शक्तिशाली होती है वो है हाकनी हाकनी का मंत्र है ये सब योगनियां हैं याद रखना हाकनी का मंत्र है ओम एम ह्रीम श्रीम श्री हाकनी मनोहारिणी स्वाहा फिर आते हैं दस महाविद्या पर तो ओम एम ह्री श्रीम श्री तारा योग रक्ता पूर्ण स्वाहा ठीक है अगली महाविद्या वो हो सकती है जो गुरु कालिफनाथ की भी गुरु थी ओम एम ह्रीम श्रीम श्री छिन्मस्ता योनि वेगा स्वाहा छिन्मस्ता योगी वेना स्वाहा फिर भैरवी का मंत्र शुरू का बीज वही ओम एम ह्रीम श्रीम श्री भैरवी सत्य सुकर्णी स्वाहा जिनको धन का दिक्कत है वो ओम एम ह्रीम श्रीम श्री कमला शुक्ल संस्थिता स्वाहा कमला का साधना करेंगे जिनको ज्ञान भी चाहिए रक्षा भी चाहिए वो गायत्री योगिनी की साधना कर सकते हैं उसका मंत्र होता है ओम एम ह्रीम श्रीम श्री गायत्री नित्य चरित्री स्वाहा ज्ञान के लिए ओम ह्रीम श्रीम श्री सरस्वती स्वर्गदेवी स्वाहा क्या स्वर्गदेवी स्वाहा वैष्णवी वैष्णवी का मंत्र होता है वैष्णवी योगिनी का ओम एम रिम श्रिम श्री वैष्णवी सप्तस्वरूपिणी स्वाहा लक्ष्मी ओम एम रिम श्री श्री लक्ष्मी मनोरमायोनी स्वाहा और अंतिम बता रहा हूँ दुर्गा इनको मत छोड़ना ओम रिम श्रीम श्री दुर्गा सच्चिदानंद स्वाहा तो अपने हिसाब से अपने जरूरत के हिसाब से आप सभी इन साधनाओं को कर सकते हैं आपको लगता है कि जिस भी योगिनी की आपको आवश्यकता है तो उस इन मंत्रों में से किसी पांच योगिनी की साधना एक बार में करें जिनको दस करना है वो फिर से इस साधना को रिपीट करें एक बार जब आपकी साधना समाप्त हो जाएगी नौ दिन की तो अंतिम दसवें दिन दशांश हवन करेंगे मधु घी और उसमें गुलाब जल मिला करके अगर दशांश पूरा इससे ना कर पाएंगे तो फिर एक जो हवन सामग्री आती है उस हवन सामग्री से आप कर सकते हैं आम की लकड़ी से ही इसकी संविधा बनाएंगे आज के लिए इतना ही जिन्हें पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर नाइन फोर थ्री वन वन एट एट फाइव एट फाइव से जुड़ सकते हैं उसमें जो साधना का शुरुआती विषय है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ जैसे आसन बंधन भैरव साधना हुं? जो कि उच्च स्तर साधना से पहले आप लोगों को जानना चाहिए मेरे बारे में मेरे कार्यक्रम के बारे में जानना है तो डब्ल्यू 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 डॉट अघोरतन तरस डॉट कॉम डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए उसमें रूत्रनाथ एट सी एम फोर मेरा प्रोफाइल है उस पर जाइए और आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं आज के लिए इतना ही भगवान भैरव आप सभी को सद्बुद्धि दो और सिद्धि दे ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है आप सभी को आदेश आदेश अला खादेश